अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली इसमैन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियोस के अंदर अपने कोई भी एक पार्ट जो है हम ब्लर करना चाह रहे हैं, जिसमें हम हमारी कोई भी पर्सनल चीज़ है। जैसे हम मिसाल के तौर पर आपने कोई जीमेल बनाना सिखाया है तो आपने अपना फ़ोन नंबर दिया उधर और आपने अपना पासवर्ड दिया है, तो आपने उसके ऊपर ब्लर का जो है ऑप्शन लाजमी लगाना है। तो ब्लर का ऑप्शन लगाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीमेल जो है वो कोई और लॉगिन ना कर ले। आपने जीमेल जब लॉगिन करना है कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, तो आपने जो है सबसे पहले पासवर्ड जब डालते हैं लॉगिन करने के लिए, तो आपने जो है वो अपना ब्लर ज़रूर करना है। अपने पासवर्ड जो आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको ज़रूर ब्लर करके रखा करें वीडियोस के अंदर, क्योंकि हैंकर जो होते हैं वो यही हमारी मिस्टेक्स निकालने के लिए वीडियोस देखते हैं और उन्हें कोई इशू नहीं होता हमारी वीडियोस देखने के लिए। तो आपने क्या करना है, जब आप एक न्यूज़ एंकर के तौर पर आप वीडियोज़ बना रहे हैं, तो कोई बंदा ऐसा होता है कि जो आपको कहता है कि यार मैं अपना फेस जो है वो सामने नहीं लेकर आना चाहता, तो आप मेरे फेस को जो है वो ब्लर करें। तो वो कैसे, हमने अपना उनका फेस ब्लर करना है। या आपके कोई ब्लॉगर हैं तो कोई बंदा आपसे कहता है कि यार मेरा फेस जो है वो सामने ना आए, तो आपने जो है वो किस तरह ये सारा काम ब्लर करना है, तो चलकर आपको मैं समझाता हूँ कि आपने किस तरह जो है वो ब्लर करना है। लेकिन इससे पहले चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जाएंगे। तो कैनी मास्टर के अंदर आपने जो है वो अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए ओपन कर लेना है। तो आप जो भी रेशो सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो सबसे पहला ही चूज़ करेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है हमने जो एक अपनी वीडियो जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। तो मान लीजिए कि ये मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा फेस जो है वो ब्लर होके आए, मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहता। या जीमेल, जब भी आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं अपना पासवर्ड लगाएं, तो आपने सिंपली क्या करने के लिए उसे करना है, लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको इफ़ेक्ट FX इफ़ेक्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और तीसरे नंबर पर आपको एक ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, या आप सबसे नीचे पर जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो आपने तीसरे नंबर पर ब्लर को करना है क्लिक, और ये देखें जी हमारी वीडियो जो है वो ब्लर होगी। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें कि आप फेस पर करना चाहते हैं, पूरी बॉडी को करना चाहते हैं, तो जिस तरह आप चाहें इसे ब्लर कर सकते हैं। अब पता नहीं चलेगा कि ये कौन गुफ्तगू कर रहा है। जो है वो अपना जीमेल जो है वो देना चाह रहे हैं, पासवर्ड जो है वो देना चाह रहे हैं, तो हम मिसाल के तौर पर जो है वो अपना पासवर्ड डाल देते हैं। मतलब कोई भी हम, ये हमारा जो है वो पासवर्ड है। मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ सके। तो ये मेरा जीमेल जो है पासवर्ड है। तो अब जो है मैं अपने जीमेल के लिए पासवर्ड दे रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको ब्लर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं FX इफ़ेक्ट के अंदर जाऊँगा और ये देखें मैं इतना हिस्सा जो है वो अच्छी तरह से ब्लर कर दूँगा। ये देखें, जहाँ पर जितनी देर आप पासवर्ड लिखने में लगा देते हैं तो उतनी देर में आपका जो है वो ब्लर हो जाएगा। आप कोई भी एक पॉइंट यार जहाँ पर आपको ब्लर करना है ना, आपने यहाँ से सिंपली FX इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करना है और जो है वो अपना जीमेल है, जो भी है, कोई चीज़ भी है, तो आपने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्लर कर देना है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से सही समझ आ चुकी होगी। तो यही काम होते हैं ब्लर करने का, और कोई ऐसा इशू नहीं है ब्लर करने का कि कोई। आपने सिंपल FX इफ़ेक्ट के अंदर जाना है, लेयर पर क्लिक करने के बाद FX इफ़ेक्ट के अंदर चले जाएं, तो आप सबसे जो है वो नीचे वाला जो है ये वाला ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये भी ब्लर हो रहा है, आप ये देखें इससे भी जो है वो ये देखें, आप ये यूज़ कर लें तो कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये देखें जैसे मैं इसे नीचे करता हूँ तो सब कुछ वैसा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ब्लर करने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आप इसे कोई भी शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि गोल शेप में अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी का जो है वो ब्लर करना चाह रहे हैं, शक्ल जो है फेस जो है, तो आप गोल तरीके से उसका कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी शेप्स जो हैं वो मिल जाएंगी, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर मैं एक एक करके बताया